देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी महाभारत की शुरुआत हो चुकी है। सियासी दल और नेता जनता के बीच जा रहे हैं, प्रत्याशी भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, पर कुछ प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं जिनके साथ ऐसे लोगों का नाम जुड़ा होता है जिन्होंने सूबे की ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को प्रभावित किया हो, एक पूरी राजनीतिक विचारधारा पर अपना प्रभाव डाला हो। ऐसी ही एक सीट है लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री और सोशलिस्ट आंदोलन के अगुआ रहे स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा जोशी प्रत्याशी के तौर पर हैं और उनके सामने हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव। दंगल के दिग्गज में आज हम रीता बहुगुणा जोशी के साथ पूरा एक दिन बिताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है उनकी तैयारी। आइए देखें। आम दिनों में और चुनावी दिनों में दिनचर्या में फर्क होता है, क्योंकि आम दिन जहां सामान्य होते हैं वहीं चुनाव के समय में सियासी विरोधियों को मात देने के लिए जिस तरह की कवायद होती है, जिस तरह की जनसभाएं होती हैं जहां बोलना पड़ता है, जनता की समस्याएं सुननी पड़ती हैं, वहीं कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति भी बनानी पड़ती है और इन सब में जो ऊर्जा लगती है वो ऊर्जा मिलती है डाइनिंग टेबल पर। इसीलिए हम इसी डाइनिंग टेबल पर आ गए हैं। रीता जी बस तैयार हो रही हैं, अभी निकल जाएंगी, उससे पहले कुछ बात उनसे करते हैं। जैसे आमतौर पर हमने अभी बताया ही कि आम दिनों में अलग बात होती है, चुनाव के समय में अलग बात होती है, तो क्या इसी तरह की ऊर्जा या इसी तरह की डाइट आपकी रहती है कि बदल जाती है चुनाव? बिल्कुल नहीं, नॉर्मल डाइट है। पपीता जरूर होता है उसमें, ब्रेड और कोई एक सीरियल, जैसे आज इन्होंने सांभर और ये प्लेन डोसा बनाया है, किसी दिन दलिया बनती है, किसी दिन पोहा बनता है, तो ये नॉर्मल डाइट चलती है, कोई खास चीज हम लोग नहीं खाते हैं। लेकिन चुनाव के समय में तो बहुत यात्रा आपको करनी पड़ती होगी, घर लौट करके रात में ही आ पाएंगी? अब कुछ अपने साथ ले जाते? हाँ, हमारे साथ करीब 10-12 लोग, दो गाड़ियां चलते हैं और हम लोग 10 पैकेट सब्जी पूड़ी या मेरे लिए रोटी सब्जी हम पैक कर लेते हैं, चलते चलते खाते हैं, हम कहीं रुकते नहीं है, कोई ब्रेक नहीं लेते हैं, तो जिसको जब टाइम मिलता है अपना खा लेता है। हम लौटते नहीं है घर, अब हम लौटेंगे 11 बजे रात, और जब लौटेंगे तब सामूहिक रूप से सब लोग डिनर करते हैं। बिल्कुल, डिनर साथ करते हैं और ब्रेकफास्ट भी हम देख रहे हैं साथ कर रहे हैं, सर हैं, मयंक जी हैं। तो अब ये बताइए कि बातचीत जो होती है आमतौर पर डाइनिंग टेबल पर डिनर के समय में या ब्रेकफास्ट के समय में, वो अलग कुछ बातचीत चुनाव के समय में होती है? मैं देख रही थी अब मयंक जी से रणनीति बना रही थी, कहाँ जाना है, क्या करना है। हम लोग सवेरे 15 मिनट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि कहाँ पर किसको क्या करना है, हमारा प्रोग्राम तो पहले से बन जाता है, और रात को आकर हम रिव्यू करते हैं। तो कोई 12 बजे रात हम लोग 20 मिनट और सुबह 15-20 मिनट बस, बाकी तो पार्टी के हाथ में। आपने देखा कि पार्टी ने कमेटियां बना दी हैं, संचालन समिति बनी हुई है, प्रोग्राम कमेटी बनी हुई है, तो वो लोग सब अपना काम देखते हैं, हम लोग आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बहुत आवश्यक होता है। हम ही दो कैंपेन कर रहे हैं जी, मैं और मेरे बेटे कैंपेन कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड जो है मेरा ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको देखना, पोलिंग का इंतजाम देखना, ये हमेशा से मेरे हस्बैंड करते हैं। बिल्कुल, सबका काम बटा हुआ है और शायद ये जरूरी भी है क्योंकि तभी सब अपना काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपकी अगर हम बात करें तो घर में आपके राजनीतिक माहौल था, इससे सभी को ये बात पता है, लेकिन आपने कब तय किया कि आपको राजनीति में आना है? क्या अध्यापन के दिनों में ही आपके मन में ये बात आ गई थी या अचानक ये बात आई? देखिए, हुआ ये कि मैं कभी चुनाव लड़ने के बारे में विचार नहीं था मेरा, मैं सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय थी, 1974 से मैं महिला आंदोलन में बहुत सक्रिय थी, और आप हिंदुस्तान की किसी भी महिला एक्टिविस्ट से पूछेंगे कि क्या आप रीता जोशी को एज अ वुमेन एक्टिविस्ट जानते हैं, तो वो हाँ ही कहेंगे। तभी जब मायावती जी के साथ मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी तो पूरे देश के महिला संगठनों ने कहा कि रीता बहुगुणा कभी कोई अभद्र बात नहीं बोल सकती हैं, उनकी बात को तोड़ मरोड़ के रखा गया। जब 1995 में आरक्षण आया, महिला आरक्षण स्थानीय निकायों में, तो उस पार इलाहाबाद का जो, मैं इलाहाबाद में पढ़ाती, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, इलाहाबाद के महापौर का जो सीट था वो महिला हो गई, और सारे महिला संगठनों ने कहा कि अकेले आप ही को लड़ना है, और मुझे लड़ा दिया।
अगर आरक्षण नहीं आता तो मैं चुनाव नहीं लड़ती, मैं चुनाव नहीं लड़ती तो आज मैं यहां ना होती, मैं कहीं ना कहीं महिला आंदोलन में होती। तो मैं समझती हूँ परिस्थितियां मुझको लाई है। पारिवारिक, देखिए राजनीति तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में है, राजनीति में मेरी अभिरुचि थी, लेकिन स्वयं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, चुनावी राजनीति में आने का मेरा कभी कोई मन, बिल्कुल चुनावी राजनीति में कोइंसिडेंस था कि आप आई, बाई चांस आप आई, लेकिन अब आपको एक लंबा समय इसमें हो गया है। तो एक बात बताइए कि ये तो अगर मैं सीधे आपसे ये सवाल करूं कि किसका सबसे ज्यादा प्रभाव आप पर है, तो आप कहेंगी कि आपके फादर का निश्चित रूप से, पर बहुगुणा जी से आपने कौन सी ऐसी बात सीखी जो आपकी राजनीति में बहुत काम आई? मेरे पिताजी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, वो एन आइकॉनिक फिगर, लेकिन मेरी प्रेरणा मेरी माँ है। मेरी माँ के पिताजी, मेरे नाना प्रोफेसर थे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इतिहासकार। और मेरी माँ 17 साल की उम्र से स्वतंत्रता आंदोलन में कूदी थी, 1946 की पोस्ट ग्रेजुएट थी, वो बहुत सक्रिय थी पॉलिटिक्स में, वो कर्मचारी उनके श्रम आंदोलन में, ट्रेड यूनियनिज्म में, और इलाहाबाद की वो 17 साल कांग्रेस की अध्यक्ष रही, सांसद रही, और साथ ही साथ वो प्रथम उत्तर प्रदेश की प्रथम निर्वाचित महिला जिला परिषद की अध्यक्ष हुई, फर्स्ट वुमन। सो आई थिंक शी वॉज माई इंस्पिरेशन। तो मैंने अपने पिताजी से नैतिकता सीखी, उनसे ज्यादा नैतिकता का पालन करने वाला नेता शायद ही कोई होगा। ट्रू गांधीवादी थे वो, कोई संपत्ति नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, 22 साल मंत्री रहे, और उन्होंने जिस तरह से समाजवादी सोच को आगे बढ़ाया, संयुक्त समाज की सोच को आगे बढ़ाया, मैं समझती हूँ उनसे मैंने लिया। लेकिन एक महिला किसी भी मुकाम तक पहुंच सकती है, ये प्रेरणा मुझको मेरी माँ ने दी, और हमेशा मुझे पुश करती थी, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। तो आई थिंक माई इंस्पिरेशन मोर देन माई फादर इज माई मदर। क्या मानती हैं कि उनका रोल ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, लेकिन किस तरह से एडजस्ट उन्होंने भी किया है ये, और आप इसको किस तरह से देखती हैं इस कंट्रीब्यूशन को? और ही इज अ बिग सपोर्ट। मेरे ख्याल से अगर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो आई एम वेरी क्लियर इन दिस माइंड कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ में कंपैटिबिलिटी ना हो तो दोनों का करियर सफर करता है। मेरे हस्बैंड का रूल बिल्कुल क्लियर है कि डोंट यूज मी फॉर योर पॉलिटिकल एम्स। तो मेरे हस्बैंड कैंपेन नहीं करते हैं ये, पर ये साइलेंटली मुझे बहुत बैकअप को देते हैं। मेरा सारा चुनाव का प्रबंधन तो यही देखते हैं, इज द कोऑर्डिनेटर। सो आई एम वेरी लकी, आई हैव अ वेरी रीजनेबल एंड अ वेरी कोऑपरेटिव हस्बैंड। रीता जी के व्यस्त दिनचर्या की शुरुआत हो चुकी है, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं निकलने के लिए। दिन भर का कार्यक्रम बहुत व्यस्त है, और क्षेत्र में जाएंगी, वहाँ लोगों से मिलेंगी, जनता की समस्याएं सुनेंगी और अपनी बात करेंगी। तो आइए चलिए। लगातार जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से मिल रही है रीता जी, लो भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं रीता जी जैसा हम देख रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी में आप लोगों से मिल रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं। क्या कुछ खास तैयारी करनी पड़ती है घर से निकलने से पहले, क्योंकि इतने अलग अलग लोगों से मिलना, इतने अलग अलग मुद्दों पर बात करना? देखिए मैं कभी विचलित नहीं होती किसी भी परिस्थिति से, मैं तभी विचलित होती हूँ जब कोई काम सुचारू रूप से ना हो, तो बड़े शांत भाव से घर के काम निपटा के फिर मैं निकलती हूँ और अधिक से अधिक लोगों से संपर्क करने का प्रयास करती हूँ। बैक टू बैक 17-18 प्रोग्राम रोज करती हूँ जिसमें दो पदयात्राएं होती हैं, आप एक पदयात्रा मेरे साथ ही, तो लगभग 1.5 घंटे की एक पदयात्रा मेरी होती है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है क्योंकि क्षेत्र मुझे जानता है, आपने बात नोटिस की होगी कि कहीं से भी मैं निकलती हूँ तो छोटे बच्चे भी मुझे पहचान जाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि मेरी विजिबिलिटी रही है। तो पर फिर भी चुनाव में हर प्रत्याशी का ये फर्ज बनता है कि वो जैसे मतदाताओं तक पहुंचे, वही मैं काम कर रही हूँ। अब महिलाओं से ज्यादा अपनत्व से मिल रही है, और जिस तरह से आपने काम किया है कांग्रेस में रहते हुए भी, बीजेपी में अब भी, तो लग रहा है कि महिलाएं आपके साथ रहती हैं प्रचार में भी, और आप महिलाओं से मिलती भी जरूर हैं जाकर। तो हम हर महिला का ये फर्ज है कि वो अगर सक्षम है तो अन्य महिलाओं को ये विश्वास दिलाए, कॉन्फिडेंस दिलाए कि वो भी सक्षम है और कुछ कर सकती है। तो जब सब लोग अपनी अपनी सोचते हैं, हर जात अपनी, हर कम्युनिटी अपनी, तो महिलाएं क्यों ना सोचे। तो मैं जब भी जा रही हूँ मैंने महिलाओं को अधिक तरजीह दी है क्योंकि वो वीकर हैं, उनको माना जाता है कि हम कमजोर हैं और
आर्थिक रूप से भी और समाज में भी अभी वो स्थान नहीं है जो होना चाहिए, राजनीति में भी नहीं है, तो इसलिए मैं विशेष रूप से आपकी सीट पर जो मुकाबला है बहुत रोचक मुकाबला माना जा रहा है। एक तरफ आप हैं, आपकी भी एक विरासत है, राजनीतिक विरासत, दूसरी तरफ अपर्णा यादव खास तौर पर हैं, तो आप मानती हैं कि अपर्णा चुनौती दे सकती हैं? आपको अंदर से क्या लग रहा है अपने मन में? नहीं, चुनौती का तो आवाज मुझे कभी भी नहीं है, वो शुरुआत कर रही है और कोई बुराई नहीं है, लेकिन जहां तक राजनीति का प्रश्न है, देखिए हम भी राजनीतिक परिवार में पैदा हुए लेकिन 20 साल पहले महिला आंदोलन में रहे, 74 से 96 तक, और फिर मेयर बने, और राजनीति में तो तब आया जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया उसके बाद। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत बहुत सारे मैंने पड़ाव पार किए हैं, संयुक्त संघ का पड़ाव पार किया है, विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर का पड़ाव पार किया है, मैंने महिला आंदोलन में 20 साल का पड़ाव पार किया है, राजनीति में 24 साल का पड़ाव पार किया है, तो मैं किसी से मुकाबला नहीं करती। और मैं ये समझती हूँ कि हर महिला को अपने से जो पीछे की पीढ़ी है उसको इंस्पायर करना चाहिए। इस तरह आप कह रही हैं कि आप अपना मुकाबला नहीं मानती हैं, लेकिन इस तरह के आपके विरोधी इस तरह की बात कर रहे हैं कि आपने 5 साल से कोई काम नहीं किया, और उन्होंने काम किया है ऐसा भी बता रही हैं, जबकि काम विधायक आप हैं और 5 साल से आपने कोई काम नहीं किया, इस तरह के आरोप भी विरोधी लगा रहे हैं फिलहाल। जी क्या कह रहा है, सत्य के आधार पर कोई अपनी राजनीति शुरू कर रहा है तो दूर कहीं नहीं जा पाएगा। अगर 400 करोड़ रुपए की योजनाएं अपने क्षेत्र के लिए लाना निष्क्रियता है, अगर 400 सड़कें बनाना, जल भराव से मुक्ति दिलाने के लिए 300 करोड़ की सीवन लाना, 122 करोड़ का सरकारी अस्पताल लाना, और 250 सबमर्सिबल, 100 हैंडपंप, 1/2 दर्जन ट्यूबवेल्स, 52 ट्रांसफॉर्मर्स, 7 पार्क, शौचालय 1 दर्जन बनवाना, अगर ये काम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैंने एक विधायक को तो 7.5 करोड़ रुपए 5 साल में डेवलपमेंट फंड मिलता है, और मैंने केंद्र से और प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को टैप करके ये प्राप्त किया। असल में उनको ये लगता है क्योंकि सरकार के मुखिया उनके परिवार के व्यक्ति हैं, तो जितना सार्वजनिक धन उनका है, ये कोई व्यक्तिगत धन नहीं है, ये राजनीतिक, ये सरकार का धन, जनता का धन है। और अगर PWD सड़क बनाती है तो उनकी तो नहीं हो जाती। और आप, ये बड़ी विडम्बना की बात है कि PWD की, लोक निर्माण विभाग की, जो भी सड़कें शहर में बनी है किसी पे पत्थर नहीं लगता। आप मुआयना कर लीजिए पूरे शहर का, लोक निर्माण विभाग में पत्थर लगाने का नियम ही नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने धन से, अपने कोष से, अपने पास से सड़क तो नहीं बनाई, पर 1-1 हजार रुपए के पत्थर पूरे शहर में लगा रहे। ये अनैतिकता है, देखिए अनैतिकता है। और आचार संहिता लागू होने के बाद ये पत्थर लगा के किस कैपेसिटी में किया? अगर वो किसी बड़े महिला आंदोलन में रही होती, अगर वो किसी बड़े कर्मचारियों के, शिक्षकों के आंदोलन से जुड़ी होती, तो मैं मानती भी वो इब्तिदा कर रही है, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। ये जो दांव पेच हैं इस तरह के, आज की राजनीति में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी के बारे में, अपने ओपोनेंट के बारे में कुछ कह दो, इसको आप कितना, इतने लंबे समय से देखा है अपने राजनीति को, इसको आप किस तरह से देखिए? समाजवादी पार्टी की सरकार पूरी तरह से निष्प्रभावी रही है, गुंडा राज और भ्रष्टाचार इसके पर्याय बने, 5.5 लाख पद रिक्त पड़े हैं उत्तर प्रदेश में, महिलाओं की सुरक्षा तार तार है, किसान रो रहा है, पूरे प्रदेश में पानी बिजली का संकट बना हुआ है। और मैं अब इतना ही कहना चाहती हूँ कि ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। आप बताइए ना, हाईकोर्ट कह रहा है कि 8,000 करोड़ का खनन अवैध इस प्रदेश में हुआ है हर साल, और लोक आयोग ने, राजकीय लोक आयोग ने पैसा लेकर जो है वो नियुक्तियां की हैं, इस सरकार के ऊपर 500 आरोप हैं भ्रष्टाचार के। और ये सब बातों को ढकने के लिए अगर आप चाहें कि ये चुनाव दो व्यक्तियों के बीच में हो, तो व्यक्तित्व हो चाहे सरकार हो, मैं समझती हूँ कि जनता मूल्यांकन करेगी। मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने भरसक अपनी पूरी दम लगाकर क्षेत्र की सेवा की है, लोगों के सुख दुख में शामिल रही हूँ। एक कहीं पर्चा इन्हीं के पार्टी के एक अदना से कार्यकर्ता ने, सपा का कार्यकर्ता था, 4 लगाए थे कुल 4, जिसको जनता ने फाड़ दिया था। तो मैं तो जनता पे विश्वास करती हूँ। जनता आपके क्षेत्र की आपके साथ है, आप देख नहीं रही है। और आप ये भी जान जाइए कि अगर मैं पिछले बार से कहीं ज्यादा बहुमत से नहीं जीती,
तो मैं समझूंगी कि मैंने कोई सेवा। अच्छा, पिछली बार की आप बात कर रही हैं तो मुझे एक बात ध्यान में आ रही है कि पिछली बार आप कांग्रेस के लिए वोट मांग रही थी, बीजेपी के अगेंस्ट बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सियासी तौर पर कहनी पड़ती हैं, आपने कही भी। इस बार आप बीजेपी के लिए वोट मांग रही तो आपको क्या फर्क महसूस होता है, कुछ इसमें हिचक लगती है या कन्विंस कर ले जा रही हैं लोगों? नहीं, मुझे हिचक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफियावाद से लड़ने के लिए मोदी जी के विकासशील जो प्रयत्न हैं उसके पीछे आकर खड़ी हुई हूँ। आज यूपी को निजात दिलाना है और मैं ये समझती हूँ कि सपा बसपा जो है कोड़ हो गए इस प्रदेश के लिए, और हमें प्रदेश की बेहतरी के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, किसानों के, हर समाज के हर वर्ग के लिए काम करने वाली सरकार चाहिए। मोदी जी में लोगों का यकीन है तो मैंने भी विश्वास किया है, और आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। चलिए, आपका अगला पड़ाव आ गया है और यकीन है कि जनता उनका साथ देगी, शायद यही वजह है कि वो आत्मविश्वास से ये बात कह रही हैं। अब देखते हैं आगे रीता बहुगुणा जोशी किस तरह लोगों से मिलती हैं। ये सफर उनका जारी है और उनके साथ हम लोग आज ये सफर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं दंगल के इस दिग्गज को। कई बार एक महिला से अपने मन की बात बहुत कह पाती है तो जो भय होता है, जो लक्ष्य को लेकर के एक बेचैनी सी होती है, आपसे कभी उन्होंने शेयर किया? देखिए, जो महिलाओं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में और विशेषकर लखनऊ में जो क्राइम महिलाओं के प्रति, वो हमेशा इस बात से बड़ी चिंतित रही। जब मायावती जी की सरकार रही तब भी अगर महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी इस तरह की घटना होती थी तो वो हर वक्त उनमें वो बेचैनी दिखती थी कि किस तरीके से इसको हटाया जाए। और यही बेचैनी जो है, मैं सोचती हूँ कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गुंडा राज चल रहा है, माफियावाद है, सब कुछ है, तो इन्हीं सब बेचैनी की वजह से उन्हें लगा कि सपा और बसपा जैसे जो रीजनल पार्टीज हैं, इन्होंने बस उत्तर प्रदेश को केवल जो है गुंडा राज दिया है या सुशासन देने की कभी उन्होंने शायद चाह भी नहीं रखी हो, केवल अपने भाषणों में दिया है। तो दीदी को ये सब बेचैनी ही उन्हें भाजपा की तरफ, ये सब बेचैनी बीजेपी की तरफ ले आई। शबनम पांडे जी बता रही हैं, रीता जी की सहयोगी हैं, 10 साल से उनके साथ हैं, उनके एक एक एक्टिविटी पर नजर रखी। सुबह से रीता जी के साथ हैं तो क्या पहले से थे कांग्रेस में उनके जब वो थी तब से, या बीजेपी में आप उनके साथ आए या पहले से आप बीजेपी? नहीं, मैं रीता जी के साथ 2009 से उनके साथ हूँ। उनका हमारा साथ है, वो हमारे सुख दुख में, हर चीज में, हर खाने पीने में। अभी भी आप भी सुबह से चल रही उनके साथ, देख रही हैं कि एक एक पानी के लिए, खाने के लिए बार बार पूछती रहती हैं हम लोग से। हम लोग का वो क्या कहेंगे, मध्य विधानसभा की पूरी जनता का वो अच्छे से ख्याल रखती हैं। सीट पर रोचक ये अपर्णा यादव को जो से ज्यादा रोचक हो गया है, और जीत तो इन्हीं की होनी है, बहुगुणा जी की। विधानसभा के क्षेत्रों में क्या उस प्रकार का विकास हम रेलवे के क्षेत्रों में नहीं कर पाए हैं, उसके लिए हम आपसे कहीं ना कहीं आपके मुजरिम हैं, लेकिन ये वादा करते हैं सरकार अब मोदी जी की है, पहले मैं नहीं थी भाजपा में, अब हूँ। यूपीए में तो फेल करी, पर एनडीए में हम दोनों फेल नहीं होंगे, और निश्चित रूप से आप लोगों की कॉलोनी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए हम अपना भरपूर प्रयास करेंगे। प्रचार और जनसंपर्क करते हुए सुबह से शाम हो गई है, रीता जी अभी भी जनसंपर्क कर रही हैं, पर अब हम उनसे एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बिजी शेड्यूल है आपका, लेकिन उसके बीच हम लोग बात भी जैसा कि करते जा रहे हैं, उसी जगह पर आप आ रही हैं वोट मांगने जहां पर आप कांग्रेस के लिए आई थी वोट मांगने, तो क्या लग रहा है? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर लोग साथ दिख रहे हैं आपके। देखिए, पहले भी लोगों ने मेरे उम्मीदवारी को पसंद किया था, और मुझे लगता है इस बार बढ़कर और ज्यादा समर्थन है, क्योंकि मैं भाजपा में आ गई हूँ। ये जो एरिया है, जो सीट है, ये भाजपा का गढ़ होता है, और इस गढ़ को मैंने ही एक बार
गिराया था और मैं 2012 में जीती थी। लेकिन अब मेरा व्यक्तिगत जो लोगों को मुझ में विश्वास है, जो मेरा उनसे संबंध है और भाजपा का अपना मूल वोट अभी मिल गया, तो एक तरफा लड़ाई आप देख रहे हैं, इसमें कोई संघर्ष नहीं। लेकिन फिर भी हमें इस बात का कोई अहंकार नहीं है, हर प्रत्याशी का फर्ज है कि वो अपने मतदाताओं तक पहुंचे। गठबंधन बना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, और उस गठबंधन का एक हिस्सा यानी राहुल गांधी, आप उनको बहुत करीब से इसलिए जानती हैं कि इससे पहले जब जब उन्होंने आंदोलन किया, जब जब उन्होंने यूपी में वो सक्रिय हुए राहुल गांधी, आप उनके साथ उनके पीछे खड़ी रही। क्या लग रहा है कुछ असर होगा इस गठबंधन का, पर्सनली इसको किस तरह से देखें? निष्प्रभावी होगा, क्योंकि देखिए लोग सपा बसपा के शासन से तंग आ चुके हैं और कांग्रेस का जो यूपीए का कार्यकाल था उससे लोग उबे हुए थे और अभी उनको माफ करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया, आप कांग्रेस से चुनाव लड़ी, विधायक बनी, प्रदेश अध्यक्ष जैसा पद दिया, आप महिला मोर्चे की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रही, पर क्या वजह है कि अचानक ये सवाल इधर पूछा जाता रहा होगा आपसे कई बार, लेकिन क्या वजह है कि आपको आखिर कांग्रेस छोड़ने का फैसला लेना पड़ा? क्या कुछ पर्सनल ग्रोथ रुक गई थी या कुछ और बात थी? देखिए अगर व्यक्तिगत होता तो 2012 में छोड़ती, 2012 से 16 तक 17 तक मैं लगातार कांग्रेस पार्टी में रही और मेरे पास कोई पद भी नहीं था, प्रवक्ता पद नहीं होता है, प्रवक्ता तो आप देखते हैं बहुत गैर राजनीतिक लोग भी प्रवक्ता बनते हैं। मैं देखिए उत्तर प्रदेश को बचाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनमें विश्वास करके उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा में अपना विश्वास व्यक्त करना चाहती है। सपा बसपा को जाना चाहिए, इन दोनों का शासनकाल सिर्फ लूट खसोट का रहा है, दुर्दशा कर रहा है, बैड गवर्नेंस कर रहा है, तो इसलिए मैंने भी सोचा कि अगर यूपी में मुझे कोई परिवर्तन चाहिए तो मुझे उस दल के साथ होना चाहिए जिसमें जनता का विश्वास हो, तो लोकतंत्र का अर्थ ही है ये। इलाहाबाद में आप रही बहुत समय तक, इलाहाबाद ने आपको छोड़ दिया कि आपने इलाहाबाद को छोड़ा, लखनऊ में आप इतनी ज्यादा रम गई हैं चुनाव प्रचार में, ये देख करके मुझे ये बात ध्यान में आ रही है कि इलाहाबाद की याद आती है पर्सनली? इलाहाबाद मेरा घर है, मेरा जन्म वहीं हुआ है, मेरा व्यवसाय वहीं था, और अभी जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, सदस्यता ली और मैं इलाहाबाद गई, तो जितना स्वागत मेरा लखनऊ में हुआ था उसका दुगना स्वागत इलाहाबाद में हुआ। मैं जहां जुड़ती हूं, हृदय से जुड़ती हूं, प्रेम से जुड़ती हूं, आप मेरे साथ इलाहाबाद चलिए, इलाहाबाद में मैं किसी भी सीट से खड़ी हो जाऊं पार्लियामेंट के, 1,00,000 वोट तो मेरा निजी और मेरे परिवार का वोट है। इलाहाबाद से मैं प्रेम करती हूं, लेकिन जब मैं प्रदेश की अध्यक्ष बनी और 2007 में यहाँ आ गई तो यहाँ पर मैंने रही, यहाँ चुनाव लड़ी, यहाँ की सेवा करी, तो कोई कारण नहीं है कि जिन लोगों ने मुझे बहुमत से जिताया, भारी बहुमत से जिताया, मैं उन्हें छोड़ के चली जाऊँ। आप महिलाओं के हितों को लेकर के सक्रिय हैं, लेकिन जिस तरह से टिकट दिए गए हैं बीजेपी में भी बहुत कम, 42 टिकट दिए गए हैं, आपको लगता है कि ये टिकट और ज्यादा मिलना चाहिए था? पर्सनली क्या सोचते हैं, ईमानदारी से दिल से बताइएगा। देखिए सबसे ज्यादा टिकट बीजेपी ने दिए, ये तो ठीक है कि लगभग सब सीट्स यदा कदा कोई का हार जाए तो हार जाए, वरना 9 सीटें 9 की 9 बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसीलिए मेरा ये सवाल था कि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक तय नहीं हुआ है, आप बहुत सारे पदों पर रही, क्या अगर मौका मिलता है तो आप उसको स्वागत करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में बहुत पुराने नेता हैं, वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, जिन्हें शासन प्रशासन का अलग अलग स्तरों पर अनुभव है। ये निर्णय हाईकमान लेगा और साथ ही साथ जो लोग जीत कर आएंगे उनका बहुमत किसके साथ है वो लिया जाएगा। मेरी मंशा कोई उस पद के लिए लालसा नहीं है, मेरी मंशा सिर्फ सपा बसपा को सत्ता के गलियारों से हटाकर एक स्वच्छ पारदर्शी सरकार के रूप में बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने की है। बिल्कुल, सपा बसपा को हटाना इनकी मंशा है। रीता जोशी 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं चुनाव प्रचार के, लेकिन अभी भी सक्रिय, अभी भी जारी है उनका जनसंपर्क और लगातार चल रहा है और हम भी लगातार उनके साथ चल रहे हैं। तो ये था हमारा आज का सफर, दंगल के दिग्गज रीता बहुगुणा जोशी के साथ हमने आज पूरा दिन बिताया और जानने की कोशिश की कि क्या है उनका प्रचार का तौर तरीका और क्या है उनकी रणनीति। कल मिलेंगे दंगल के किसी और दिग्गज के साथ। कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ समय के लिए लखनऊ से शिल्पी सेन।